चैनल और आज हम लोग रिव्यू करेंगे मेरी शेवलेट बीट का। ये मेरा बीट LS मॉडल है तो, और इसकी ये फ्लिप की है जो आपके सामने है। तो अब हम लोग इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्टली मैं इसके हेडलैम्प्स की तरफ आना चाहूँगा। इसके हेडलैम्प्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्मूथ डिज़ाइन से मतलब डिज़ाइन किए गए हैं, स्मूथली डिज़ाइन किए गए हैं। और ये जो इसकी एंड लाइन जो पूरी बॉटम से अपर तक जाती है ये भी काफ़ी अच्छी है। और ये इसके फॉग लैंप्स की स्पेस मैं बता देना चाहता हूँ, ये बीट LS है तो इसमें फॉग लैंप्स इंक्लूड नहीं होते हैं। ये इसकी फ्रंट ग्रिल विद शेवलेट बैजिंग एंड ये शेवलेट का लोगो। और मैं इसकी लेफ्ट प्रोफाइल की तरफ आना चाहूँगा तो ये भी काफ़ी कूल है और मतलब इसका फ्रंट लुक टोटली इसको एनहेंस कर देती है, इसके फ्रंट लुक को। सो अब हम लोग चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये 5 spoke मेरी व्हील विद शेवलेट लोगो एंड साइड इंडिकेटर एंड ये ड्राइवर साइड मिरर जो कि काफ़ी कूल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और अभी ये पूरी आपकी साइड प्रोफाइल है। ये गाड़ी आपको ऊपर से थोड़ा सा नीचे तक आती है और एक स्टाइलिश लुक में आपको गाड़ी दिखेगी। अब आते हैं इसकी पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ इसमें काफ़ी इंटेलिजेंटली डिज़ाइंड इसकी टेल लैंप्स आपको मिल जाएंगी एंड ये बीट LS का लोगो और बैजिंग एंड द शेवलेट का लोगो। और इसके आगे मैं आना चाहूँगा तो इसके आगे आप लोग को शेवलेट की बैजिंग मिल जाएगी। तो ये गाड़ी टोटली पीछे से काफ़ी अच्छी लगती है। ये आपको रिफ्लेक्टर्स, ये आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे कार के। तो ये गाड़ी का पीछे का लुक। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जाने के लिए गाड़ी को अनलॉक करते हैं जस्ट लाइक दिस एंड अब चले अंदर। सो गाइज अंदर भी इसमें काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट्स मिल जाएंगी जिसमें आपके जो पैसेंजर वाले जो पैसेंजर बैठते हैं उनको काफ़ी आरामदेह सीट्स हैं। और ये आपका गेट खोलने का लीवर एंड ये आपका मिरर। जी हाँ, ये बीट LS है तो उसमें ऑल 4 door पावर नहीं आते हैं, सिर्फ 2 front door पावर आते हैं। और ये सीट्स, यहाँ पे आपको सामान रखने की जगह भी मिल जाएगी एंड यहाँ पे आपको एक कप होल्डर, बॉटल होल्डर एंड यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। और ये गेट, यहाँ पर भी आपको अपोस्ट्री भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं इसकी बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ गाइस मैं डोर खोलना चाहूँगा एंड डोर खोल के अब हम लोग इस कार के ड्राइवर साइड पे आ चुके हैं। तो ड्राइवर साइड भी काफ़ी कूल तरीके से डिज़ाइन किया गया है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे और म्यूज़िक सिस्टम। इस म्यूज़िक सिस्टम पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना भी दी है तो अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो आप देख सकते हैं। ये स्टेयरिंग इसकी, ये काफ़ी मतलब रेस लुक में डिज़ाइन की गई है, स्पोर्टी लुक। और ये इसका जो स्पीडोमीटर सिस्टम है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ये इसके साइड कंट्रोल्स एंड ये इसका मिरर कंट्रोल एंड यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। ये आपको AC कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे कप होल्डर, बॉटल होल्डर एंड हैंड ब्रेक। और ये पैसेंजर सीट, यहाँ पे भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगी, इसको आप अपनी यूटिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्लव बॉक्स, ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी स्पेस है आपके। और ये AC अवेलेबल भी है, इसमें आपको कूल भी रख सकते हैं जो भी सामान आप रखेंगे इसमें। और ये इसकी स्टेयरिंग में शेवलेट का लोगो लगा मिलेगा आपको एंड ये इसका स्पीडोमीटर सिस्टम। चलिए अब की को इसमें लगाते हैं।
चुकी है, ऑन हो चुका है, और यहाँ पे आपको इसमें डिस्प्ले भी ऑन हो जाएगा, या ये हम लोग का म्यूजिक सिस्टम भी ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको साइड कंट्रोल्स, यहाँ पे आपके लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे और राइट में आपको लाइट कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और ये इसकी ब्लू लाइट जो कि काफ़ी इंटेलिजेंटली डिज़ाइन की गई है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और